कक्षा छठी। आज हम कार्य के जो शेष भेद बचे थे आज हम उनको पढ़ेंगे। कारक किसे कहते हैं? संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका उनका संबंध वाक्य के अन्य शब्दों से ज्ञात हो उसे कारक कहते हैं। कारक का ज्ञान कराने वाले चिन्हों को परसर्क कहते हैं। कारक के आठ भेद हैं। तीन भेद हमने पिछली वीडियो में पढ़े थे, आज चौथा भेद हम पढ़ेंगे। चौथा कौन सा है? संप्रदान कारक। संप्रदान कारक किसे कहते हैं? कर्ता जिसके लिए कोई काम करता है उसको संप्रदान कारक कहते हैं। जैसे राम सीता के लिए गेंद लाया, सीता गीता के लिए गुड़िया लाई। तो इसमें संप्रदान कारक इन वाक्यों में कौन कौन से हैं? इनमें है सीता और गीता, जो है वो क्या है? वो संप्रदान कारक है। अगला भेद है इसका अपादान कारक। जिन शब्दों से किसी चीज के अलग होने का ज्ञान होता है वह अपादान कारक की श्रेणी में आते हैं। जैसे उदाहरण स्वरूप हम क्या देखेंगे? पेड़ से पत्ता गिरा, मेज से कागज उड़ा। तो इन शब्दों में, इन वाक्यों में पेड़ मेज जो है वो क्या है? अपादान कारक है। उसके बाद है संबंध कारक। जिन शब्दों द्वारा संबंध का परिचय मिलता है वह संबंध कारक कहलाते हैं। जैसे ये आपकी पेंसिल है, वह अपने मामा के घर रहता है। इस इन और कुछ स्वरनामों के साथ संबंध कारक में रा, रे, री, रा प्रत्यय लगते हैं। जैसे मेरा, मेरी, मेरे, तुम्हारा, तेरी। उसके बाद है अधिकरण कारक। अधिकरण कारक किसे कहते हैं? जिन शब्दों से क्रिया का आधार और स्थान ज्ञात होता है, जिससे हमें पता चलता है क्रिया का क्या स्थान ज्ञात होता है, उन्हें अधिकरण कारक कहते हैं। जैसे छत पर, मेज पर, कमरे में, जेब में। उसके बाद है संबोधन कारक। संबोधन कारक किसे कहते हैं? जिन शब्दों के द्वारा किसी को पुकारा या बुलाया जाता है या संबोधित किया जाता है उन्हें हम संबोधन कारक कहते हैं। जैसे हे भगवान, अरे इसे रोको, इन वाक्यों में हे और अरे जो है वो क्या है? वो संबोधन कारक है। ये थे, ये आज का विषय जो था वो था कारक।